सहयोगों का प्रेम इतना अगाध है कि शब्द सूझ नहीं रहे कि किस तरह से बात की जाए। आपको पता है कि संसार में हर जगह आज सहयोगी उत्क्रांति की ओर, इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। बहुत से सहयोगी बड़ी ऊंची दशा में चले गए, आनंद के स्रोत उनके अंदर बह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल निमित्त मात्र होकर के ही संसार में एक विशेष रूप से कार्यान्वित है, लेकिन हर एक देश की एक अपनी अपनी मैं देखती हूं कि परिपाटी। मानव हर जगह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, और सहज योग एक अंतरतम की ही व्यवस्था है जिसका कि बाह्य से कोई संबंध है ही नहीं, तो भी चित्त जो कि प्रकृति का एक स्वरूप है जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप जिस जिस देश से गुजरे हैं, जिस जिस जन्मों से गुजरे हैं, जिस जिस प्रणालियों से गुजरे हैं, जिस व्यवस्थाओं में से आपका व्यवहार हुआ है, उस सभी का टेप रिकॉर्ड है। इसके कारण हर एक देश का मैं देखती हूं मानव थोड़ा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव जितना कुछ मिथ्या है उसे कितने जोर से पकड़ लेता है और सत्य को पकड़ने में कितना कचराता है, इतना धीरा होता है, इतने मुश्किल से अपनाता है सत्य को और असत्य को, बहुत बुरी तरह से अंदर में पकड़े रहता है। आश्चर्य इसीलिए होता है, पहले तो मैं सोचती थी कि मानव अपना नाम, अपना गांव, अपनी शिक्षा, अपना ओहदा, इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन अंतरतम में कितना गहरा उसका असर है उसको देखते ही बनता है। जितने जल्दी ये चीज अपने अंदर से छूट जाती है, जितने जल्दी मिथ्या हमारे अंदर से मिटता जाता है, उतने ही जल्दी हम लोग उस चित्त को हल्का कर लेते हैं। सहयोग में यही चित्त जो है, ये चित्त परमेश्वर से जाके भिड़ता है, यही चित्त उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश में जाके डूब जाता है, यही मानव का चित्त जो कि हम प्रकृति का एक रूप समझते हैं, प्रकृति का जो ये फूल है वो परमात्मा के प्रेम सागर में विसर्जित हो जाता है। लेकिन ये चित्त कितना बोझिल है, कितना अव्यवस्थित है, कभी कभी देखते ही बनता है। सहजयोग की पहचान एक ही है कि आप कितने आनंद में उतरे, आप कितने शांति में उतरे, आप कितने प्रेम में उतरे। मिथ्या पे रहने वाले लोग सहजयोग को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी मेहनत से क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे कुंडलिनी पर बिठा के आपको हम वहां छोड़ देंगे, लेकिन आप बार बार गिराते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते जहां आपको पहुंचाया। हर एक देश में एक अजीब अजीब तरह की समस्याएं हैं। अपने देश की समस्या है इसको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी समस्या समझनी चाहिए अपने तक। दूसरे देशों की समस्या है उसे भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूके में मैंने अपना कार्य बहुत धीमा शुरू किया है,
बहुत थोड़े लोगों को हाथ में लिया, ज्यादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी। सोचा पहले 25 आदमी ऐसे जमा दिए जाए जो कुछ सहयोग पर जम जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी पहुंची हुई विभूतियां हैं वो लोग, नितांत श्रद्धा है उनकी सहयोग पर। वो सोचते हैं कि सहयोग के बगैर कोई इलाज है ही नहीं। आखिरी दशा में पहुंचने पर सहयोग अत्यंत अप्रतिम है, डायनामिक चीज है, और वो कोई प्रोग्राम है सहयोग का तो उनके लिए उससे बढ़ के महत्वपूर्ण संसार में कोई चीज है ही नहीं। और घंटों तक वे उसी में लगे रहेंगे कि सहयोग में हमने अपने को, जैसे कि ये पता नहीं क्या परमात्मा की चीज आई हुई है जो दुनिया भर में देने की है, और वास्तविकता ये है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी बड़ी वास्तविकता समझने पर भी उनका एक बड़ा भारी, मैं दोष तो नहीं कहूंगी लेकिन पिछाहाट का कारण है, कारण वो भारतवर्ष की योग भूमि में पैदा नहीं हुआ। परमात्मा ने ऐसे सज्जन को न जाने क्यों उस योग भूमि में पैदा किया। इस योग भूमि आप लोग पैदा हुए हैं और वो पैदा हुए हैं उस भोग भूमि में, जहां पर कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संस्कार है ही नहीं। उनको यह भी पता नहीं है कि माथे में सिंदूर लगाना है तो वो नाक में लगाना है कि सर पे लगाना है। उनको पूजन की विधि मालूम नहीं, अर्चन की विधि मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम आता नहीं। उनको नीचे बैठना तक नहीं आता, कुछ भी वो नहीं जानते। इतने अनभिज्ञ हैं कि आरती बजाने पे ताली कैसे देना चाहिए वो भी नहीं समझते, और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, इतने आंतरिक हैं वो लोग, इतने प्रेममय हैं, इतना मेरे ऊपर उनको प्रेम है और इतना आदर है मेरे प्रति कि मैं आश्चर्य करती। मेरे सामने में कभी भी गुजरते वक्त सीधे नहीं गुजरते हैं, झुक करके। इतना मेरे प्रति प्रेम उनको है कि संसार की कोई सी भी चीज मेरे आगे उनको तुच्छ लगती। इतना उनको मेरा महत्व है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महत्व समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 का वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कह लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं, ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात, अपने ही को कहते और दूसरे के बारे में यही कहते कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लग जाती, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा। उसके तरफ दृष्टि नहीं करते जिसको वो गलत सोचते, अपने ही को गलत सोचते। पूरी समय आपको आश्चर्य होगा कि अपने पीछे डंडा लेकर लगे हुए, जहां मैं देखती हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात, सारी दृष्टि अपनी ओर लगाकर। इतनी तपस्विता उन लोगों के अंदर में, और छोटे बच्चे जैसे मासूम बिल्कुल। मैं आने लगी तो ऐसे झरझर झरझर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सहयोग उन पर डाला, सब कुछ कर लिया, पर उनके आंसू नहीं रुके। इतनी सहज सरल उनकी भावनाएं। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 21 आदमियों से ज्यादा नहीं ऐसी मैं जोड़ पाई, लेकिन है ये बात। और जिसको कहते हैं जेन्युइननेस, असलियत। खुद मैं जेन्युइन नहीं हूं ये वो समझते हैं, कहते हैं ये मेरे अंदर कोई आकर कह रहा है कि मैं जेन्युइन नहीं हूं। मैं नहीं हूं जेन्युइन, माता जी मेरे अंदर ये कपट है, मेरे अंदर ये झूठ है, मैं इस झूठ को लिए हूं, मैं उस झूठ को लिए हूं। पूर्णतया दिल को खोल के कहते हैं, और उनको कोई बात में शर्म नहीं आती। अपने को बुरा कहने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरों को जजमेंट वो बिल्कुल नहीं करते। फिर ये भी बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलत काम क्यों किया, इसकी वजह ये थी। अपना हिस्सा बताएंगे कि मेरे बाप ऐसे थे, एक बार ऐसा हुआ था, साइकोलॉजिकली ये बात है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये बात ऐसी क्यों करी उसका कारण वो बताते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा करता हूं।
एक आध दो लोग ऐसे भी आते जिन पे बहुत बाधा थी, वो अपने दिन नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी, और चुप रहते हैं, कहते नहीं कुछ, कहते कि नहीं अभी हमें वो जो असर थे वो निकलने दो पूरे, हो सकता है अभी भी कहीं छिपे हुए असर होंगे। इतने मौन आत्मसात करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो पूजन भी नहीं जानते, अर्चन भी नहीं जानते, विचारों को समझ भी नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पैसा नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने कहा, मुझे ये डबल रोटी खाते थे वो, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती, तो हर बार आएंगे तो एक एक डबल रोटी, मैंने कहा 20-21 डबल रोटी कौन खाने वाला है, मैंने ऐसे कह दिया था कहने को, ऐसे थोड़ी की मैं रोज खाती। उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से समर्पण करें। सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, सब कुछ जानते, आपके सारे शास्त्र वास्त्र उन्होंने जितने अंग्रेजी में लिखे हैं सब पढ़ डाले, इसलिए सहयोग समझाना कोई मुश्किल नहीं। वो कहते हैं कि ये जड़ से सूक्ष्म में करने का तरीका सहयोग। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा है अभी किताब का, पढ़ के दंग हो जाएंगे। सारे दुनिया के फिलोसोफर्स ला करके उन्होंने मां के चरणों में डाल दिया। ये सब कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या, इन्होंने तो प्रश्न खड़े किए, मां ने उसका उत्तर दिया। अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले मां से, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहयोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आप हमारी नींव है। नींव के पत्थर कितने जबरदस्त होने चाहिए, पहली चीज हमें ध्यान में लाना चाहिए, क्या हम जेन्युइन हैं? अपनी ओर नजर करें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर नजर करें, क्या हम जेन्युइन हैं? देखिए उनको किसी मंत्र भी बोलना नहीं आता, उनसे श्री कृष्ण भी नहीं बोलना आता बेचारों, बहुत मुश्किल से राधा कृष्ण कह पाते। आपके लिए कितना सरल है कि आप अपने विशुद्धि को साफ कर लें, राधा कृष्ण आपने कह दिया हो गया काम खत्म। अब वो राधा कृष्ण नहीं कह सकते बेचारे, तो कृष्ण जी जरा नाराज हो जाते हैं बात बात में, उनको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, और आपसे आपको आसानी मिल जाते हैं। उनको कुंकू लगाना नहीं आता, उनको सिंदूर का मालूम नहीं, उनको फूल चढ़ाना नहीं आता, उनको गणेश जी बनाना नहीं आता, उनको स्वस्तिक बनाना नहीं आता, हर बार उल्टी बना देते हैं बेचारे, कभी उन्होंने जाना नहीं ये सब चीजों। लेकिन अत्यंत शरणागत होते हुए भी वो लोग उसे नहीं पाते जो तुम लोग पा चुके, तुमने बहुत पाया लेकिन उसका महत्व, अभी तक बहुत कम लोगों के आता है समझ में। ये नहीं कि उनको सहज नहीं दिया है, ये नहीं कि उनको मुफ्त नहीं दिया है, उनको भी ऐसे ही पाया है उन्होंने जैसे आपने पाया, लेकिन उनका मेरे प्रति जो प्रेम इतना नितांत है, जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का वो संबंध समझ गए हैं और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। अपने ही में क्यों सीमित हो? सब तुम एक ही शरीर के रोम रोम होते हुए भी, एक ही शरीर में स्पंदन होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हो, और वहां ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, टीम वर्क का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आपस में एक वहां पर लड़का है जिसने स्मोकिंग शुरू की, सब लोग उसको फाड़ खा गए, उसको इस तरह से उन्होंने ठिकाना किया, उसका छूट गया स्मोकिंग, उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक किए, उसकी पूरी मदद की, जैसे वो स्मोकिंग करे उसको अपने पास बुलाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके घर में जाकर उसके यहां पे सिगरेट उगरेट सब निकाल दिया, उसके पैसे ले जाकर छिपा दिए। सिगरेट की स्मोकिंग नहीं थी उसकी, वो दूसरी क्या होती उसकी करता था, और कहने लगे कि अब अगर तुमने और किया तो हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा वो लड़का इसको बुरा नहीं मानता, वो कहता कि हाँ भाई तू कर दो कुछ,
इसका इलाज वो लड़का खुद करता है और भागता है उस चीज से दूर, उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बचाओ, इस वक्त वो मुझे आ रही है इच्छा, किसी तरह से मुझे बचा लो, इस वक्त में तुम लोग बचा लो। अपने को करेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहा है। यहां तो आपका समाज ही करेक्टेड है, कितने आपको आपको पता नहीं है कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रह रहे हैं, जहां पर मां बहन का पता नहीं, इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, जहां पर घर घर में शराब चलती, इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उसे पूछे भाई तुम्हारी मां कहां है, तो कहते पता नहीं कहां चली गई, उसे किससे शादी कर गई। चरित्रहीन, मूलाधार चक्र सबका चौपट, ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, मां गणेश दो हमको, गणेश के सामने सर पटक 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 के, कान पकड़ पकड़ के, पश्चाताप की पूरे धुन में लगे, और उसमें एक वीरता बढ़ी। इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया, मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया। अभी तक आपके नहीं नजर में आई बात, उनके आ गई, वो समझ गए यही बात है, यही ये चीज है, कहने को महामाया, अंदर बात ये। उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है कि सत्य दरवाजे पर। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्ययुग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है, और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की, इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है। वो जिम्मेदार है सहयोग के लिए, मजाल नहीं कोई सहयोग के विरोध में एक अक्षर बोले, आपस में बोलने का तो सवाल ही नहीं, पर कोई बोलता है तो फौरन उसी को मार छाड़ के रख देते हैं। उनसे अगर मैं कहूं 24 घंटा तुम बगैर खाना खाने बैठे रहो, बैठे रहे, लेकिन इसका यह अर्थ है कि आप लोग कुछ कम, आप लोगों ने, आप में से किसी ने जो हाइट्स साधी हैं, जिस हाइट्स पे पहुंच गए हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, भाई कमाल की, लेकिन सबको अपने अपने लिए बड़ा घमंड है, ये बड़ा प्रॉब्लम। चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखो वहां देखो, एकाग्र तभी होता है चित्त जब उसके ऊपर का सारा मैल चल जाता है, जब वो हल्का हो जाता है। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए एक बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर एक तरह का, वो ये है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द फादर, अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया। वो कौन सा पाप है कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा, बिल्कुल भिखारीपना की बातें, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा नहीं, तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या है। ये बड़ा भारी हम लोग पाप करते, परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था
अगर हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता है। दो तरह के पाप हैं, एक तो पाप यह है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना, और दूसरा मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द मदर, वो वहां पर हो रहा है जिसमें चारित्रिक दोष, इंडलजेंसेस, भोग, घर गृहस्थी का तोड़ देना, बेछूट हो जाना, ये वहां दोष हो रहा है। दोनों नर्क के रास्ते सीधे जाने की व्यवस्था है। पैसे के लिए कुछ भी करो, पैसे के लिए जो चाहे सो गलत काम करो, वो ठीक है, ये हिंदुस्तानियों का पाप है। मैं सरकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं परमात्मा की बात करूं, परमात्मा के राज्य की बात करूं। जब आप परमात्मा के राज्य में हैं, तो देगा नहीं तो नहीं देगा। इतनी कम से कम रुकती ले आने में क्या लगता है, करेगा नहीं तो नहीं करेगा। जैसे राखहु तैसे ही रहूं, सहजयोगी कर इतना एक कर लें कि जैसे राखहु तैसे ही रहूं, जैसे भी रखो मंजूर है तुमको, देख लेते तुम कैसे रखते और हम कैसे रहते। हर एक चीज का एक मजाक हो सकता, हर एक चीज में एक आनंद आ सकता। कैसे रखोगे, भूखे रखोगे? अच्छा देख लेते कितने दिन भूखे रखते हो। जैसे राखहु तैसे ही रहूं, चाहे पैदल चलाओ तो पैदल चलेंगे, चाहे घोड़े पे बिठाओ तो घोड़े पे चलेंगे। ऐसे मस्ती में जब आप आ जाएगा, बाकी तो आपका भगवान की कृपा से ऐसी योग भूमि में आप पैदा हुए हैं कि बाकी का हिस्सा ठीक है। आपके माँ बाप ठिकाने से हैं, आपके बीवी बच्चे ठिकाने से, आपका चरित्र भी इतना गड़बड़ छड़बड़ नहीं है। कुछ लोगों का वो भी गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ नहीं, ठीक हो सकता वो। वहां पर इतना ज्यादा दूसरा वाला पाप है कि सबकी आंख यूं 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 औरतें आदमियों की चलती रहती है हर समय। मैंने बाधा उनके अंदर, एक के से एक दूसरे की बाधा जा रहे। एक औरत आई उसको देखा, औरत ने आदमी को देखा, ये चलते रहता वहां पर, चक्कर ही ऐसा। तो हमसे कहले माता जी ये तो यहां सबके बाधा घुस जाती आंख में, करे क्या आंख को? मैंने कहा आंख जरा नीचे रखो। लक्ष्मण जी कैसे? सीता जी के सिर्फ पैर देखो नीचा, धीरे धीरे अपने आप वो बाधाएं छूट जाएंगी। जब आप ऐसे धंधे नहीं करेगा तो वहां रहने का उसको काम क्या बाधा का? अपने आप जो अंदर में भूत आपके अंदर में घूम रहा है, भूत आपके अंदर में काम कर रहा है, वो अपने आप ही वहां से भाग जाएगा। अगर आप इधर उधर आंख नहीं घुमाइएगा तो एकदम से वो भूत भाग जाएंगे, और जब तक आप अपनी आंख घुमाते रहिएगा वो भूत वहां बैठे रहेंगे। फौरन आंखें सबकी यूं, रास्ते में चलते हैं आंख यूं करके चलते, ये साधु लक्ष्य। माने कह दिया, मान लिया, ये बच्चों के लक्षण है। आपके भले के लिए है, आपके कल्याणी के लिए कह रहे हैं। आपको भी समझना है कि सहयोग में हमने जितना पाना है वो पाने का ही है, इसी जन्म में हमको पाने का है, किसी और को नहीं। हमको पाने का, हमको लेने का, दूसरों को नहीं। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी सोचो कि हमने कितना पाया, हम इसके कितने गहराई में उतरे, हमने क्या पाया, हम अपने साथ क्या व्यवहार करें, हम क्यों ढोंग करें अपने साथ, हम क्यों अपने को ठगा रहे, हम क्यों झूठ बोल रहे, हम अपने साथ क्यों ऐसी राती कर रहे, हमने क्या पा लिया? अरे सारा भंडार खोल दिया, आ जाओ अंदर, जैसे भी हो आ जाओ, हम नहला धुला के सबको बिठा देंगे। फिर सोच क्या, कितने गहरे उतरे हम गंगा की शीतल धारा में, कितने अंदर बहते गए हम। वो तो बह रही पूरी तरह से कि लो बेटे लो लो जो लेना ले, कितनी घाघर हमने भर ली, चित्त हमारा इधर उधर दौड़ रहा है। अपनी और दृष्टि करते ही तुम समझ जाओगे कि तुमने ही अपने साथ छलना करी, किसी और ने की नहीं। ये बड़ा भारी अंतर है सहजयोग के लिए नुकसान का भी। अपनी और दृष्टि न रखना ये सहजयोग के लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज है, और अपने और उसी मनुष्य की दृष्टि होती है स्वभावतः ही, जो जन्म जन्मांतर से खोज रहा है वो जानता है कि मेरी गलतियों की वजह से मैं नहीं पाया था, मैं और गलती नहीं करूंगा।
जैसे कि कुंद घर के अंदर में आप बंद हैं और निकलने का रास्ता नहीं, जिसने 10 जगह दरवाजे पर ठोका मारा है, जिसका सर फूटा है 10 जगह, वो फिर सोचता है नहीं, रास्ते की ओर नजर रखो, दरवाजे की ओर नजर रखो। सब दूर से मार खाने से वो दरवाजे की ओर, वो कुछ और नहीं जानता है, सिर्फ ये जानता है हाँ मैंने पाया ना, मैंने देखा है ना, मुझे मालूम।